नमस्कार विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट हरियाणा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा सातवीं का जो आपकी अणिका पुस्तक है उसका जो पाठ है सरोजनी नायडू, उसी को पढ़ने जा रहे हैं। तो आप अक्षरंश मेरे साथ बने रहिए और अच्छे से आप ध्यान लगाकर उसे पढ़िए, ताकि जो है आपको उसके प्रश्नोत्तर करने में दिक्कत ना आए। तो भारत कोकिला सरोजनी नायडू। देखो माँ, मैंने एक कविता लिखी है, सुनाओ। माता ने आश्चर्य से उसकी ओर देख करके कहा, लेकिन तुम तो बीजगणित के सवाल हल करती थी। हाँ, कर तो रही थी, लेकिन जब वह समझ में नहीं आया तो मैंने एक कविता लिख डाली। उसके आग्रह करने पर माँ कविता सुनने बैठ गई। तभी उसके पिताजी भी वहाँ पहुँच गए। अपनी 11 वर्षीय बिटिया सरोजनी के मुख से इतनी सुंदर और सुरीली कविता सुन करके माता पिता गदगद हो गए, प्रशंसित हो गए। उन्होंने बेटी को शाबाशी देकर के कहा, तू तो गाने वाली चिड़िया जैसी लगती है, यानी एक दिन तो गाने वाली चिड़िया बनेगी, यानी कि तुम्हारी आवाज़ है वो बहुत मधुर बनेगी। माता पिता की ये बात सत्य सिद्ध हुई। अब तो लिखने का जो कर्म चला वह चलता ही रहा। 13 वर्ष की अवस्था में उस बिटिया ने 130 पंक्तियों की एक लंबी कविता और 2000 पंक्तियों का एक नाटक लिख डाला। सरोजनी का कंठ अत्यंत मधुर था। वे जब कविता पाठ करने लगती थी तो उनका संगीतमय मधुर स्वर सुनकर के श्रोता मंत्रमुग्ध हो जाते थे। यही कारण है कि सरोजनी को भारत कोकिला की उपाधि भी प्रदान की गई है। तो ये हमने सरोजनी के बारे में पढ़ा कि उनको है ना बचपन से ही कविताएं लिखने का शौक था और उनकी आवाज़ है वो बड़ी मधुर थी, और उन्होंने जबरन अपनी माँ को अपनी कविता सुनानी चाही, लेकिन मन मार करके उनकी माता ने कविता को सुना। लेकिन तभी पास में पिताजी भी आ गए और उन्होंने कविता सुनी तो दोनों को अपार प्रसन्नता हुई। आइए पढ़ते हैं उसके जीवन से संबंधित। सरोजनी का जन्म 13 फरवरी सन 1879 को हैदराबाद में हुआ था। पिता एघोरनाथ चट्टोपाध्याय तथा माता वरदा सुंदरी के की काव्य लेखन में विशेष रुचि थी। सरोजनी ने काव्य लेखन की प्रतिभा अपने माता पिता से विरासत में पाई थी। विरासत होता है बेटा, जो चीज़ बाप दादा से हमें मिले विरासत होता है। काव्य रचना के साथ साथ सरोजनी का अध्ययन कार्य भी चलता रहा और सन 1890 ईस्वी में सरोजनी ने मद्रास विश्वविद्यालय से मैट्रिक की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। उन्होंने सब छात्रों में प्रथम स्थान प्राप्त किया। एक बालिका के लिए ऐसी सफलता प्राप्त करना उन दिनों असाधारण बात थी, यानी कक्षा में प्रथम आना। और उन दिनों जब अंग्रेजों का राज था, सरोजनी प्रथम आई तो एक बहुत बड़ी बात थी। अध्ययन के साथ साथ सरोजनी में गंभीरता आती गई। उनकी कविता के विषय भी बदलते गए। अब वे अपना मन स्वतंत्र अध्ययन करने और उच्च कोटि की कविताएं लिखने में लगाना चाहती थी। उच्च शिक्षा के लिए उन्हें इंग्लैंड भेज दिया गया। वहीं उनका परिचय प्रसिद्ध साहित्यकार एडमंड गॉस से हुआ। उन्होंने सरोजनी की कविता लेखन की क्षमता और रुचि को देख करके भारतीय समाज को ध्यान रख करके कविता लिखने का सुझाव दिया। सरोजनी के 3 कविता संग्रह प्रकाशित हुए, द गोल्डन थ्रेस हॉल्ट, द ब्रोकन विंग और द सेपर्ड फ्लूट। लिए बांसुरी हाथों में हम घूमे गाते गाते मनुष्य सब हैं, बंधु हमारे सब जग सारा अपना है।
यानी कि सरोजनी का कहने का भाव यह है कि हम अपने हाथों में बांसुरी लेकर के यही गुनगुनाते फिरते हैं कि हम सारे जग के हों, सारा जहां हमारा है। ये पंक्तियां द गोल्डन थ्रेस हॉल्ड की हैं। इस पुस्तक से इंग्लैंड का साहित्य जगत आश्चर्यचकित रह गया। साहित्यकारों, समालोचकों और समाचार पत्रों ने एक स्वर में उनकी प्रशंसा की। भारत में भी इस सफलता पर सरोजनी का अभिनंदन किया गया। भारत लौटने पर सरोजनी का विवाह गोविंद राजुल नायडू के साथ हुआ। ये हैदराबाद के रहने वाले थे और सेना में डॉक्टर थे। इस प्रांतीय और अंतरजातीय विवाह के लिए ब्रह्म समाजी माता पिता ने सहरस अनुमति प्रदान की। उनका वैवाहिक जीवन सुखी रहा, यानी उन्होंने दूसरी जाति में अपना विवाह किया था। गोपाल कृष्ण गोखले तथा महात्मा गांधी के साथ आने पर सरोजनी नायडू राष्ट्र प्रेम तथा मातृभूमि को संबोधित कर कविताएं लिखने लगी। यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले और महात्मा गांधी की प्रेरणा से उन्होंने राष्ट्र प्रेम और मातृभूमि को संबोधित करने का लिखने का जो है ना हौसला मिला। शर्म करते हैं हम कि स्मृत हो तुम्हारी जागृति का पल, हो चुका जागरण अब देखो निकला दिन कितना उज्जवल। सरोजिनी नायडू की इन पंक्तियों को पढ़ करके सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि उनका हृदय देश प्रेम से सर्वथा ओतप्रोत रहा। सन 1912 ईस्वी में द बर्ड ऑफ टाइम्स नामक कविता संग्रह का प्रकाशन हुआ और इनकी प्रशंसा करते हुए यॉर्कशायर पोस्ट नामक पत्र में लिखा था, श्रीमती नायडू ने हमारी भाषा को तो समृद्ध किया ही, पूर्वी देशों की भावना और आत्मा से भी हमारा निकट का संपर्क बनाया। समय के पंछी पर उड़ने को शामिल विस्तार पर ला पंछी तो यह उड़ चला। इन पंक्तियों ने साहित्य प्रेमियों के स्वर्गिक आनंद का अनुभव कराया। सरोजनी नायडू में तारों तक पहुंचने के लिए ऊपर उठने की चाह थी। उन्होंने अपने कविता संग्रह द ब्रोकन विंग में लिखा है, ऊंची उठती हूँ मैं कि पहुँचूँ नियत झरने तक, टूटे ये पंख लिए मैं चढ़ती हूँ ऊपर तारों तक। गोपाल कृष्ण गोखले सरोजनी नायडू के अच्छे मित्र थे। वे उस समय भारत को अंग्रेजी सरकार से मुक्त कराने का कार्य कर रहे थे। इस कार्य में सरोजनी बहुत प्रभावित हुई। उन्होंने कहा, देश को गुलामी के जंजीरों में जकड़ा देखकर कोई भी ईमानदार इंसान बैठकर केवल गीत नहीं गुनगुना सकता। कवयित्री होने की सार्थकता इसी में है कि इस संकट की घड़ी में निराशा और पराजय के क्षणों में आशा का संदेश दे सकूं। ऐसा दृढ़ संकल्प करके सरोजनी देश भर में चारों तरफ घूम घूम करके स्वाधीनता का संदेश फैलाया। अब इनका अधिकतर समय राजनीतिक कार्य में व्यतीत होने लगा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के बाद उनका कविता लेखन कार्य धीमा पड़ गया, लेकिन जो स्थान अंग्रेजी काव्य में उन्होंने अपने लिए बनाया था वह आज भी विद्यमान है। सरोजनी की लेखनी के साथ साथ वाणी का भी वरदान मिला था। लोग उनके धारा प्रवाह भाषण को मंत्रमुग्ध होकर के सुनना पसंद करते थे। वे पर्दा प्रथा पर प्रहार, हिंदू मुस्लिम एकता पर बल और स्वदेशी की भावना पर का प्रचार आदि मुद्दों को लेकर के देश के विभिन्न भागों में जागृति का संदेश लेकर के गई। इसके जोशीले भाषणों की देश भर में बहुत धूम मची। जब गांधी जी सन 1916 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन में सम्मिलित हुए
उन्होंने वहाँ पर भी सरोजनी को उत्साहपूर्वक भाग लेने लेते हुए पाया। यहीं पर जवाहरलाल नेहरू से उनकी पहली भेंट हुई थी। नेहरू जी ने लिखा है, मैं उन दिनों सरोजनी के कई धाराप्रवाह भाषणों से प्रभावित हुआ था। वे राष्ट्रीयता और देश प्रेम से भरी पूरी थी। सन 1919 में जब प्रथम सत्याग्रह संग्राम का प्रतिज्ञा पत्र तैयार किया गया तो उसमें उन्होंने बढ़ चढ़ करके भाग लिया। सन 1922 ईस्वी में गांधी जी पर मुकदमा चला और उन्हें 6 वर्ष की सजा हुई। इस समय सरोजनी ने खद्दर वस्त्र धारण किया और देश के कोने कोने में सत्याग्रह संग्राम का संदेश पहुंचाने के लिए कार्य में लग गई। इसमें ये कवयित्री होने के साथ साथ स्वतंत्रता संग्राम की उच्च कोटि की नेता भी थी। सन 1925 ईस्वी में इन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुन लिया गया। इस समय गांधी जी ने उत्साह भरे शब्दों में उनका स्वागत किया था और कहा, पहली बार एक भारतीय महिला को देश की सबसे बड़ी सौगात मिली है। सन 1930 ईस्वी में गांधी जी ने नमक कानून तोड़ो आंदोलन में दांडी मार्च किया और नमक कानून तोड़ा सरोजनी महिलाओं के दल के साथ पहले समुद्र के किनारे उपस्थित थी। और सन 1942 में गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने भाग लिया। आज़ादी की लड़ाई में उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा, लेकिन वे कभी पीछे नहीं हटी। अंततः भारत के लिए वह सुनहरा दिन आया जिसकी लोगों को वर्षों से प्रतीक्षा थी। भारत स्वतंत्र हुआ और श्रीमती सरोजिनी नायडू को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का पदभार कार्यभार सौंपा गया। उत्तरदायित्व के इतने उच्च पद पर आसीन होने वाली वे भारत की प्रथम महिला थी। उनके कार्यकाल में उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक जीवन में नया उत्साह दिखाई दिया। सरोजनी को इस बात का अच्छी तरह से अनुभव था कि नारी अपने परिवार और देश के लिए कितना महान कार्य कर सकती है। इसलिए उन्होंने नारी मुक्ति और नारी शिक्षा आंदोलन शुरू किया। नारी विकास को ध्यान में रख करके वे अखिल भारतीय महिला परिषद की सदस्य बनी। सरोजनी नायडू राजनीतिक एवं सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाने के साथ साथ गीत और चुटकुलों का आनंद भी लिया करती थी। प्रकृति से उन्हें बहुत प्रेम था। 30 जनवरी 1948 ईस्वी को दिल्ली में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई तो इस वज्रपात से सरोजनी नायडू मर्माहत हो उठी, यानी बिल्कुल दुखी हो उठी। देश भर में उदासी छा गई। सरोजनी नायडू ने अपनी श्रद्धांजलि में कहा, मेरे गुरु, मेरे नेता, मेरे पिता और मेरी आत्मा को मेरी आत्मा शांत होकर विश्राम न करे बल्कि उनकी राख गतिमान हो उठे। चंदन की राख में उनकी अस्थियाँ इस प्रकार जीवंत और उत्साह से परिपूर्ण हो जाएं कि समस्त भारत उनकी मृत्यु के बाद वास्तविक स्वतंत्रता पाकर के पुनर्जीवित हो उठे। तो मेरे पिता, विश्राम मत करो, न हमें विश्राम करने दो, हमें अपना वचन पूरा करने की क्षमता दो, हमें अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने की शक्ति दो, हम तुम्हारे उत्तरदायित्व हैं, उत्तराधिकारी हैं, संतान हैं, सेवक हैं, तुम्हारे स्वप्न के रक्षक हैं, भारत के भाग्य विधाता, भाग्य निर्माता, तुम्हारा जीवन काल हम पर प्रभावी रहा है, अब तुम मृत्यु के बाद भी हम पर प्रभाव डालते रहोगे या डालते रहो। गांधी जी की मृत्यु का आघात उनके लिए घातक सिद्ध हुआ। धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और मार्च 1949 को जब वह बीमार थी तो उन्होंने नरस से गीत सुनाने का आग्रह किया। नरस का मधुर गीत सुनते सुनते वे चिर निद्रा में सो गई और 2 मार्च 1949 को प्रातः 3:30 बजे भारत को किला सदा के लिए मौन हो गई। उनकी मृत्यु तो केवल शरीर से हुई है, अपने यश रूपी शरीर से वे आज भी हमारे बीच में हैं। अपनी एक कविता में उन्होंने
मृत्यु को तो कुछ देर ठहरने के लिए कहा है। क्या कहा है? मेरे जीवन की क्षुधा नहीं मिटेगी जब तक मन आना है, मत आना हे मृत्यु कभी तुम मुझ तक। सरोजिनी नायडू ने भी जीवन भर विभिन्न रूपों में देश की सेवा की, इसके लिए हम भारतवासी सदैव उनके ऋणी रहेंगे। तो विद्यार्थियों, ये कक्षा 7वीं का लेसन हमने पढ़ा। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे इसके प्रश्नोत्तरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 6 का प्यार की नींव, जो आपका पाठ है आपकी अणि का पुस्तक भाग 1, उसी को पढ़ने जा रहे हैं। यानी 1 मीन्स 6, भाग नंबर 6 उसी को पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए पढ़ते हैं कि जो प्रेम से जो है ना दुश्मन को भी परास्त किया जा सकता है, तो इसलिए हमें अपना व्यवहार है वो मधुरता से युक्त करना चाहिए। अपने व्यवहार में मधुरता हमेशा लानी चाहिए। प्रेम से हर चीज़ को हैंडल किया जा सकता है, अपने वश में किया जा सकता है। तो देखिए किस तरह से एक मौलवी की कहानी है, इसमें किस तरह से प्रेम पूर्वक उसने दुश्मनों को भी अपने गले से लगा लिया था। प्यार की नींव, वैसे उनका नाम तो रहमतुल्ला खां था, परंतु छोटे बड़े उन्हें मौलवी साहब कहकर पुकारते थे। थोड़ी सी आबादी थी, आबादी की बस्ती थी, कोई विशेष बात उस बस्ती में न थी, न पक्की सड़क थी, न बिजली थी, न दवाखाना। फिर भी मौलवी साहब को उस गांव से बहुत लगाव था, कारण कि उनका जन्म वहीं हुआ था और वहीं की मिट्टी में खेल कूद करके बड़े हुए थे। उनके विशेष अनुराग की एक और भी वजह थी, वह यह है कि उनका इकलौता बेटा करीम भरी पूरी जवानी उम्र में वहीं उनसे हमेशा के लिए बिछुड़ गया था, और उसकी स्मृति में उन्होंने एक छोटी सी यादगार गांव में के बाहर बना दी थी। सो नगर की अफसरी से जब उन्हें अवकाश मिला तो उन्होंने उसी गांव में एक मदरसा खोल दिया था और बड़े प्यार से बच्चों को पढ़ाने लगे। बच्चों से मौलवी साहब को बहुत स्नेह था। मदरसा होता भी छोटा स्कूल, प्राइमरी स्कूल, जहाँ पर उर्दू की शिक्षा पढ़ाई जाती है, मदरसा कहलाता है। बच्चे भी उन्हें प्यार करते थे। मौलवी साहब का बोल मीठा था और बच्चों के प्रति उनका व्यवहार बहुत ही हार्दिक था। भले ही वे कैसी ही गलती क्यों न कर डालें, लेकिन क्या मजाल कि मौलवी साहब के मुंह से एक तेज शब्द भी निकले, हाथ उठाने की बात तो दूर रही। बच्चों के गुरु होने के कारण वे सारे गांव के आदरणीय और कृपा पात्र बन गए थे। वैसे भी उनका घराना बहुत अच्छा था, और जब करीम की मृत्यु हुई थी आधे से ज़्यादा गांव साथ गया था। धीरे धीरे वर्षों बीत गए थे। इस बीच मौलवी साहब की बीवी चल बसी थी। करीम के नज़दीक ही उन्होंने एक छोटा सा स्मारक फातिमा बेगम के लिए बनवा दिया था। कुछ और बरस इस तरह बीते और मौलवी साहब के सिर और दाढ़ी के बाल सफ़ेद हो गए। अचानक देश में सांप्रदायिकता की जो है ना आग भड़क उठी। ये 47 का जिक्र है भाई, जब हिंदू मुसलमान की आपस में लड़ाई हुई थी। चारों ओर मारकाट और लूटपाट के दृश्य लगे थे, हर जगह आतंक छा गया था। कल तक जो मित्र थे वो आज दुश्मन हो गए और एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो गए थे। शहरों की आग की लपटें देहातों में पहुंच गई थी। मौलवी साहब ने देखा कि उनका गांव का रुख बदलता जा रहा है, तो इससे उन्हें रत्ती भर भी चिंता न हुई। उसी प्यार और मोहब्बत से बच्चों को पढ़ाते रहे और गांव वालों के साथ प्यार से पेश आते गए, प्यार से व्यवहार करते गए।
एक रोज मौलवी साहब खा पी कर चरपर में बैठे थे कि मुखिया का लड़का आया। मौलवी साहब ने सहज भाव से पूछा, क्या है बेटा देव? देव जोर जोर से रोने लगा। मौलवी साहब आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने देव को अपनी ओर खींच लिया और उनकी पीठ थपथपाते हुए बोले, इतना दुखी होने की क्या बात है बेटे? देव यह देखकर ही हिचकी नहीं बंधी, संभला तो बोला, मौलवी साहब आप यहाँ से चले जाइए। क्यों बेटे? मौलवी साहब ने कहा बिना किसी उद्विग्नता, यानी शांत स्वर से कहा, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ मौलवी साहब, आप यहाँ से चले जाइए। मैं आपसे कह रहा हूँ, आज हरी लीला और पंचम सलाह कर रहे थे। क्या सलाह कर रहे थे? देव को के चुप हो जाने पर मौलवी साहब ने पूछा, कहते थे कि एक दिन को रात को मौलवी साहब के घर पर धावा बोल दें और उन्हें और उससे आगे देव को कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। मौलवी साहब सब समझ गए। उनके बूढ़े चेहरे पर जरा भी चिंता की लकीरें नहीं आई और हंसते हुए कहा, बेटा इसमें हमारा कोई परेशान हमारी हैरान होने की क्या बात है? जाओ बेटे, तुम चैन से सो जाओ, तुम्हारे मौलवी साहब की एक दिन और वैसे भी मतलब जो मारेंगे तो मर जाओगे, नहीं वैसे तो मरना तो है ही एक दिन। देवी फिर बोला, मैं आपके पैर पड़ता हूँ मौलवी साहब, आप चले जाइए, हम चार छः लोग कुछ नहीं कर सकेंगे, जिसमें रास्ते में कोई रुकावट होगी तो मैं आपको बता दूंगा, यानी मैं कोई रुकावट जिससे रास्ते में कोई बाधा न हो। देव ने बहुतेरी मेहनतें की लेकिन मौलवी साहब जाने के लिए राजी न हुए। उन्होंने साफ कह दिया कि मुसीबत से डरकर भागना क्या भागना, जिनकी जिंदगी की इमारत प्यार के नींव पर खड़ी हुई है उसे डरने की जरूरत नहीं है। देव चला गया और मौलवी साहब चारपाई पर लेट गए। उनके मन में भय था कि लेकिन करीम और फातिमा की याद में उन्हें थोड़ी बेचैनी हो जाएगी। बेचैनी भाई वे सोचने लगे क्या कि यह क्या है, यह सब क्या है? आदमी का प्यार क्या इतनी क्या क्या पानी का बुलबुला है जो भरा जो जरा सी देर में फूट जाता है? प्यार की जड़ें क्या इतनी कमज़ोर हैं जो जरा सी हवा लगी कि उखड़ी? वाला यानी मौलवी साहब मन ही मन सोच रहे हैं कि हम प्रेम पूर्वक रहते थे, क्या हमारा प्यार ऐसा ही है कि प्रेम की जो नींव है इतनी जल्दी हिल जाएंगी या टूट जाएंगी? देव चला गया और मौलवी साहब चारपाई पर लेट गए। उनके मन में भय नहीं था लेकिन करीम और फातिमा के बाद में उन्हें थोड़ी बेचैनी आई। वे सोचने लगे ये सब क्या? आदमी का प्यार क्या पानी का बुलबुला है जो जरा सी देर में फूट जाएगा? प्यार की जड़ें तो इतनी कमज़ोर नहीं है जो जरा सी हवा लगे कि उखड़ी? वाला। रात को मौलवी साहब देर तक मोहम्मद साहेब की जीवनी पढ़ते रहे और इतने में दरवाजे पर हल्का सा खटका हुआ। वे चुपचाप लेटे रहे, आठ सुन करके शांत हो गई। लेकिन दो मिनट बाद
कि वे क्या देखते हैं कि धीरे धीरे दरवाज़ा खुला और एक के बाद एक तीन लोग भीतर घुस आए। चांदनी की रोशनी में मौलवी साहब को पहचानने में देर न लगी थी। आगे गिरधारी और वह रह गया। मौलवी साहब जो केतों लेटे रहे, गिरधारी चारपाई से कोई 2 गज की दूरी पर रुक गया। उसने इधर उधर आगे पीछे चौकन्ना होकर के देखा और अपने साथी को इशारा किया। इशारा पाते ही साथी ने उसे कोई चीज़ दी। गिरधारी एक कदम आगे बढ़ा। मौलवी साहब ने देखा कि उसके दोनों साथियों में से एक पंचम और दूसरा लीला है। इन तीनों को उन्होंने पढ़ाया था। गिरधारी देर तक वहीं खड़ा रहा। वह न आगे बढ़ता था न पीछे हटता था, मूर्ति की भांति खड़ा था। इस अवस्था में मौलवी साहब देर तक न देख सके। वे बोल पड़े, बेटा गिरधारी क्या सोच रहे हो, आगे क्यों नहीं बढ़ते? मौलवी साहब उठ करके बैठ गए। बोले, बेटा आते क्यों नहीं? जो तुम्हें करना है कर लो, मैं तुम्हें रोकूं या कुछ भी कहूं तो अल्लाह मुझे दोजख में भी जगह न दे। अरे पंचम और लीला, तुम लोग इतनी दूर क्यों खड़े हो? आगे आओ बेटा और गिरधारी की मदद करो। गिरधारी और उसके दोनों संगी सन खड़े थे। गिरधारी सोचता था धरती फट जाए तो वह उसके नीचे दब जाए। हाय राम, उसने क्या किया? अपने मौलवी साहब का अनर्थ करने की बात सोचने से पहले वह मर क्यों नहीं गया? उसके भयंकर अपराध के बदले इस देवता के मुंह से प्यार की वाणी निकल रही है। हाय ये कैसा कैसा नीच है, कैसा पापी! मौलवी साहब ने अत्यंत सरल भाव में कहा, गिरधारी तुमको वह दिन याद है जब तुम मेरी गोद में खेले और मैंने तुम्हें अपना करीम मान करके पढ़ाया। लेकिन बेटा सच कहता हूँ, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। इंसान को अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए। मैंने जो किया वह मेरा कर्तव्य था। बेटे तुम मेरे प्यारे हो और वैसा मान करके मेरे दिल को तुम्हारे लिए सदा आशीष ही निकलेगी। दूध की चांदनी में मौलवी साहब का चेहरा चमक उठा मानो कोई फरिश्ता बैठा हो। गिरधारी ने हाथ की चीज़ उठा करके एक तरफ फेंक दी और आगे बढ़ करके मौलवी साहब के पैरों के पास गया। पंचम और लीला भी चारपाई के पास आकर बैठ गए। मौलवी साहब ने उन दोनों की पीठ थपथपाई और देखा कि चरणों के पास बैठा गिरधारी बार बार आंखें पोंछ रहा है। तो ये हमने पाठ पढ़ा बेटा, प्यार की नींव। अगले वीडियो में हम करेंगे इसके शब्द अभ्यास को। तब तक मिलते हैं। यदि आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जो चैनल पर नए हैं भाई चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।